अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबाहत नईम फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब कॉलेज भलवाल। आज हमने जो पढ़ना है अपना चैप्टर नंबर 26, सम मेजर इकोसिस्टम। सम मेजर इकोसिस्टम जो चैप्टर है बेटा, ये हमारे पास शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कोई नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये आपके फर्स्ट पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें इंक्लूड है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर क्या है? वेदर is referred to a short-term fluctuations in temperature, humidity, cloud cover, wind and precipitation over periods of hours or days. ये थोड़ी देर के लिए fluctuation होती है। fluctuation mean तब्दीली होती है। किस में तब्दीली हो सकती है? temperature change हो सकता है, humidity change हो सकती है, cloud cover change हो सकता है, बादल ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, wind में changes आ सकते हैं, precipitation means rain, ओवर periods ऑफ आवर्स एंड डेज, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद। समटाइम्स ऐसे होता है कि सुबह वेदर जौन सा होता है, जैसे आजकल के डेज में हमारे पास क्या है, फॉगी वेदर जौन सा है वो चल रहा है, स्मोग है, ठीक है। और समटाइम्स क्या हो जाता है, फिर बारिश आना शुरू हो जाती है या फिर सनी वेदर हो जाता है, सूरज निकल आता है, तो इसे हम कहते हैं ये वेदर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट इज रेफर टू ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ वेदर दैट प्रिवेल फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट जो होता है वो एक खास जगह का है, एक खास एरिया में, जो सालों साल वैसा रहता है या फिर सदियों सदियों में वैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि जो डेजर्ट है उसका क्लाइमेट वार्म है और वो सालों से वार्म है, या आप कह सकते हैं सेंचुरीज से वार्म है। इसी तरह जब हम पोलर रीजन्स की तरफ चले जाते हैं वो कोल्ड हैं, ठीक है, तो उसका क्लाइमेट ही कोल्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास ड्यूरिंग द यूनिट टाइम, एक खास टाइम पीरियड ड्यूरेशन में जो है बायोमास कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, या बायोमास की रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है कम है, उसे हम कहते हैं ये प्रोडक्टिविटी है। बायोमास मीन एक ऑर्गेनिज्म जोन से हैं उनका जो बॉडी वेट, जितने वो उस एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, ये उनका बायोमास होता है। ऑर्गेनिज्म का बेसिकली जो वेट होता है या वॉल्यूम होता है, जितनी जगह वो घेरता है, वो उसका बायोमास होता है। प्रोडक्टिविटी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि हम प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी को डिटर्मिन कैसे किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रोडक्शन है और ऑक्सीजन की क्या प्रोडक्शन है, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं लाइट कितनी है और न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा जो है वो पेपर में इसका डिफरेंस आता है। तीन हमारे पास जोन्स हैं, ये जोन्स हैं हमारे पास लेक इकोसिस्टम के, यानी फ्रेश वाटर जो हमारे पास है उसके हम जोन्स पढ़ेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट जोन्स, लिटोरल जोन है, लिम्नेटिक जोन है और प्रोफंडल जोन है। अब ये कौन से जोन है? लिटोरल जोन वो जोन होता है, इट इज़ द एरिया ऑफ शैलो वाटर नियर द एजेस ऑफ द लेक, ठीक है, जहाँ पर पानी बहुत कम हो, शैलो हो, कम गहरा पानी, झील के बिल्कुल किनारे किनारे पे जो होता है वो हमारे पास लिटोरल जोन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लैंड बनाई है, सपोज दिस इज़ लैंड। ना मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकती थी, तो इसलिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंट किया कि ये लैंड है, फिर ये शोर है। शोर क्या होता है? किनारा, जैसे सी शोर हम कहते हैं साहिल समुंदर का किनारा, ठीक है, वैसे यहाँ पे लेक है, तो लेक शोर है यहाँ पे। और इसके पास, इसके बिल्कुल साथ वाला ये जो सारा एरिया है हमारे पास यहाँ पे, डेफिनेटली ये वाटर जोन है, वो यहाँ यहाँ तक आ रहा होगा, तो ये हमारे पास लिटोरल जोन होगा। लिटोरल जोन में लाइट पेनिट्रेशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, टू द बॉटम एंड तक लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है, क्योंकि ये शैलो होता है इसलिए अच्छी तरह से लाइट पेनिट्रेट करती है बॉटम तक। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स, अबंडेंट प्लांट्स हैं इसमें,
डेफिनेटली हमारे पास जब लाइट की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, गुड है, तो हमारे पास जो है वो प्लांट्स भी बहुत सारे होंगे। दो तरह के प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी मिल रहे होते हैं, सबमर्ज्ड भी मिल रहे होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स में हमारे पास वाटर लिली आ जाता है, ठीक है, और सबमर्ज्ड में जो नीचे डीप ग्रो कर रहे होंगे जैसे हाइड्रिला वगैरह। उसके बाद हमारे पास होते हैं फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन हमारे पास होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली मूव, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम फाइटोप्लैंकटन को ड्रिफ्टिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास बैक्टीरिया और एल्जी जॉन्स है ये आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स दोज बैक्टीरियाज विच कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर? ज़ू प्लैंकटन्स एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ज़ू प्लैंकटन्स हमारे पास, ज़ू मीन्स एनिमल्स, एंड प्लैंकटन्स हमारे पास आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, बेसिकली फ्री मूविंग, फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास ज़ू प्लैंकटन्स होते हैं। इसमें प्रोटोजोआ आ जाता है और टाइनी क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस में हमारे पास जैसे स्नेल, ठीक है, और कॉपीपोड, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है आपके पास जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, उसमें इनवर्टिब्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, वर्टिब्रेट्स भी होंगे। इनवर्टिब्रेट कौन कौन से होंगे? इंसेक्ट के लार्वा हो सकते हैं, स्नेल हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, हाइड्रा वगैरह हो सकता है, और वर्टिब्रेट में फ्रॉग, टर्टल्स या कुछ एक्वेटिक स्नैक्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। डिकम्पोजर्स यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन जो होता है वो लिटोरल जोन के बाद होता है। लिटोरल जोन के बाद जब हम थोड़ा आगे और नीचे की तरफ जाते हैं, ये थोड़ा डीप होता है लिटोरल जोन से, ठीक है, उसे हम लिम्नेटिक जोन कहते हैं। लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर एरिया, खुला पानी, ठीक है, अवे फ्रॉम द शोर। ये क्योंकि शोर के पास था ना, नियर द एजिस था, तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द शोर, शोर से काफ़ी दूर है, यानी लिटोरल होगा पहले, शोर के पास तो लिटोरल है, और उसके आगे वाला जो एरिया है आपके पास वो लिम्नेटिक जोन है। इसमें भी इफेक्टिव पेनिट्रेशन होती है लाइट की, जो सपोर्ट कर रही होती है फोटोसिंथेसिस को। तो कौन कौन से प्रोड्यूसर्स होंगे? फाइटोप्लैंकटन्स होंगे। कौन कौन से फाइटोप्लैंकटन्स होंगे? साइनोबैक्टीरिया होगा, वॉलवॉक्स होगा, डायनोफ्लैजेलेट्स होंगे, और जुगलीना। उसके बाद जब हम कंज्यूमर्स देखते हैं, तो इसमें भी हमारे पास ज़ू प्लैंकटन्स जोन से हैं कंज्यूमर्स, उसमें प्रोटोजोआ, स्मॉल क्रस्टेशियंस एंड वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है, डिफरेंट नंबर के जो हैं ये डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज आर प्रेजेंट देयर। उसके बाद इसमें भी हमारे पास जो है वो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लिम्नेटिक जोन के बाद नेक्स्ट जोन आता है, दैट इज़ प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन जो है वो आपके पास डीप वाटर एरिया होता है विद वेरी लिटल लाइट और लो ऑक्सीजन। समटाइम्स हम प्रोफंडल को, बेसिकली हम इसको डार्क जोन भी कहते हैं, बिकॉज लाइट जो है वो पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही होती है, इनसफिशेंट लाइट होती है, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रही होती। लाइट पेनिट्रेशन जोन से होती है वो इनसफिशेंट होती है। डेफिनेटली जब इनसफिशेंट लाइट है यानी सपोर्ट ही नहीं कर रही है फोटोसिंथेसिस को, तो इट्स मीन दैट देयर आर नो प्रोड्यूसर्स इन दिस जोन। इस जोन में हमें प्रोड्यूसर्स जोन से वो नहीं मिलेंगे। कंज्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं? स्नेल है, इंसेक्ट है, लार्वा, इंसेक्ट लार्वा हो सकते हैं, फिशेस हैं, और ये सब के सब जोन से होते हैं, वो फीड करते हैं डेट्रिटस पर। डेट्रिटस क्या होता है? डेट्रिटस हमारे पास जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, जब उनकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोजर उसको डिके करना शुरू करते हैं, उन पर ये फीड करते हैं, ठीक है?